तीन तलाक पे बने ना सर फैसला, कौन मना कर रहा है इसका? हम तो सम्मान करते हैं कि तीन तलाक का मुद्दा सबसे पहले बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुद्दा जो है वो लिंचिंग के ऊपर आना चाहिए। अगर आईपीसी पे भरोसा है ना, तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस देश में क्यों है? पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? एक देश एक कानून। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा फैसला देगा और बहुत जल्दी वहाँ पर भव्य मंदिर बनने के लिए तैयारी भी हो रही है। हम सब मुसलमान उसके समर्थन में खड़े। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? आईपीसी है तो आरएसएस भी क्यों है? आरएसएस फतवा देता है क्या? आरएसएस लॉ बनाता है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? 6 साल अटल जी की सरकार रही, क्यों नहीं बना रहा मंदिर? आरएसएस बनने लगेगा ना तो हाल कहने लगेंगे कि देश में असहिष्णुता बढ़ गई है, इनटॉलरेंस बढ़ गई है, आपातकाल लग गया है। कांग्रेस बनाती तो मुसलमान उनसे कट जाता, इसलिए तुमने नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया। वो एक शिक्षा का केंद्र बनेगा, लोग जानेंगे कौन है राम जी, उनका इतिहास पढ़ेंगे। बीजेपी के राज में ही राम मंदिर बनेगा, इस चीज को देख लीजिए आप। राम मंदिर बनेगा, दोहरा नहीं है, भव्य राम मंदिर बनेगा। बाकी आप एक मुसलमान लाओ हिंदुस्तान से निकाल के कि वो राम मंदिर के विरोध में है। बाबरी मस्जिद से पहले जो मंदिर तोड़ा गया था उसके अवशेष आज भी संग्रहालय में वहां पर रखे हुए हैं यार। कि भाई अफगानिस्तान में बाबर की क्या हैसियत थी, तो वहां पर बाबर को एक आक्रांता लुटेरा माना जाता था, वहां के लोगों ने बाबर को भगाया। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो डेट पर डेट चल रही है, राम मंदिर का मुद्दा बना हुआ है और बीजेपी के संकल्प पत्र में भी रहा है कि राम मंदिर को बनाने का, और उसके बाद जो मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता में जो दोनों धर्म के गुरु हैं वो आएंगे, और उसके बाद जो डेट है वो 31 तारीख तक के लिए उन्होंने समय मांगा था, तो 31 जुलाई तक का उन्हें समय मिल गया है। और उसके बाद 2 अगस्त से अगर मध्यस्थता के बीच कुछ मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 2 अगस्त के बाद डे टू डे हेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो क्या लगता है कि जो बहुत अरसों से चला हुआ मुद्दा राम मंदिर का सुलझने में कुछ नज़र आ रहा है? सर मेरे को सबसे पहले सवाल आपका बहुत अच्छा लगा है कि आपने जो बात करी है, आपने देखा होगा 2014 के अंदर जब मोदी जी आए थे उन्होंने कहा सबसे पहला मेरा मुद्दा है राम मंदिर का। वो 2014 के बाद 2019 में उनका मुद्दा चला गया, आज 19 के अंदर उनके पास राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और आपको पता होगा फैजाबाद ने जो फैसला सुनाया था, 3 हिस्सों में बांटा भी था इसको, सर उसको भी इन्होंने, फैजाबाद नहीं अब अयोध्या है, अब अयोध्या आ गया सर, उस पर ही आ रहा हूँ मैं आपको टिप्पणी में। सर हमें बहुत जल्दी इस पर खुशी की बात होनी चाहिए कि बहुत जल्दी इस पर फैसला आना चाहिए, क्योंकि ये जो बीच में अड़ा हुआ है, क्योंकि अड़े रहने से ना समझ आ रही कि किसकी पक्ष में जा रहा है किसके पक्ष में जा रहा। मुसलमान बिल्कुल चाहता है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा उसकी मानता मुसलमान भाई मिलकर करेंगे, और सबसे पहले जो भी उसका आदेश आएगा हम लोग उसका सम्मान करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वो न्याय जरूर देंगे हमारे को। तो न्याय पे भरोसा है पूरा? बिल्कुल सर, मुझे पूरा न्याय पे भरोसा है, मुझे सरकारों पे भरोसा नहीं है, लेकिन न्याय पे मेरे को पूरा भरोसा है कि न्याय इसके अंदर बहुत अच्छा फैसला लाएगी और वो दोनों समुदायों की बात सुनेगी, उसके बाद जो फैसला आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और देश के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तक जो मध्यस्थता के बीच में इस मामले को सुलझाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कहीं कुछ नज़र नहीं आया किसी भी धर्म से, कोई भी धर्म गुरु आकर सामने आकर के उन्होंने ये ऐसा कुछ उस पर मतगणना नहीं कर पाए, तो ऐसा क्या लग रहा है कि उसमें कहाँ कुछ कमियां नज़र आ रही हैं? सर ये सिर्फ सरकार की कमी है, सरकार ने पहले भी आपने देखा रविशंकर जी गए थे और भी बहुत से नेता गए थे वहाँ बातचीत करने गए थे, वो विफल होकर आए क्योंकि उनका कुछ नहीं बन रहा। स्तर इन सरकार का नहीं है, सरकार का स्तर ये है कि खाली किसी तरीके भी राम मंदिर को फंसाया जाए, क्योंकि इनके पक्ष की बात तो है नहीं, इसलिए हमारे को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। और सुप्रीम कोर्ट की मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से मैं बहुत उम्मीद है, सरकार से उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो दोनों समुदाय के लोग उसको मानेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट दोनों ही समुदायों को बिठाकर इसका फैसला भी बहुत जल्दी निकाल दे। सर सुप्रीम कोर्ट तो जो तारीख पर तारीख दिए जा रहा है, सर अभी उसने पूरा डिटेल पढ़ी नहीं है ना सर, अभी तो उनके पास आई है। इतने सालों से मुद्दा चला आ रहा है, अभी तक सर कहाँ था, अब कहाँ पर आया, इस पे तो राजनीति होने चली ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा टाइट होना पड़ गया, क्योंकि राजनीति बहुत ज्यादा चलती है इसके ऊपर। जब तक इस पे से राजनीति नहीं हटेगी जब तक राम जी का भला नहीं होगा। राम जी को चाहने वाले, दिल से मानने वाले, जो राम जी को पसंद करते हैं वही राम जी का मंदिर बनवा सकते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है जो सिर्फ एक झूठे वादे करते हैं। जैसा कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं,
तो क्या चाहते हैं वहाँ पर, राम मंदिर बने या मस्जिद बने या फिर कोई और तीसरी चीज निकल के? सर मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी वो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बहुत अच्छा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है आप? बिल्कुल सर भरोसा है, मैं कहता हूँ वो आस्था के साथ नहीं खिलवाड़ करेगी, वो दोनों समुदाय की बात को रखेगी और दोनों समुदाय की बात को सोचकर जो भी फैसला होगा, क्योंकि सरकार तो इस पर रोटियां सेक रही है, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोटियां नहीं सेकेगी। हमारे भाइयों को, हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को जो भड़काने के काम नेता करते हैं, वो उनके मुंह पर भी तमाचा लगेगा सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा न्याय फैसला देगा और इसका जल्दी से जल्दी फैसला आएगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर एक भव्य चीज जरूर बनेगी, जरूर बनेगी सर। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जो आप जितना बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है, अगर सरकार तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट के अंदर और एक कानूनी दायरे में लेकर आती है तो क्यों आपको परेशानी हो जाती है? सर एक बात बताइए, तीन तलाक की टेंशन मोदी जी को बहुत होती है, और मुद्दों की टेंशन नहीं है? ये मूव लिंचिंग के जो मामले चल रहे हैं इसकी चिंता नहीं है मोदी जी को? तीन तलाक की सिर्फ वोट है, तभी तो तवरेज को लोकसभा में खड़े हो गए, उन्होंने उसकी बात रखी। बात दिया कितने बाद दिन दिया? दूसरे दिन तो उन्होंने वहाँ पर मुद्दा उठा लिया। सर दिया, सर दिया, मुजफ्फरनगर के लिए क्या हुआ था, बुलंदशहर के लिए क्या हुआ था? सर कानून अभी ला नहीं रहे, सरकार लाएगी सर, हाँ तो अभी सर टाइम लाएगी सरकार, सरकार लाएगी। मैंने आप बात कर रहे थे राम मंदिर की, राम मंदिर की बात जो चल रही है, दोनों पहलू लेके चला हूँ, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा तो सुप्रीम कोर्ट की मानने के लिए वो भी चलना चाहिए ना। तीन तलाक की आए, हम तो कह रहे मुद्दा बने, इस पे क्यों नहीं बन रहा? तीन तलाक पे बने ना सर फैसला, कौन मना कर रहा है इसका? हम तो सम्मान करते हैं, जो सम्मान नहीं करते वो बाहर जाएंगे, जो सम्मान करते हैं हम तो कह रहे हैं इस बात को कि तीन तलाक का मुद्दा सबसे पहले बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुद्दा जो है वो लिंचिंग के ऊपर आना चाहिए बहुत जल्दी, अब तक तो बना देना चाहिए उनको। क्या कहते हो आप? सर अगर मैं आज भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आईपीसी पे भरोसा है ना, ठीक है, तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस देश में क्यों है? अगर मान लीजिए इस देश में न्यायालय है, ठीक है, संविधान है, आईपीसी है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या है? क्या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? देश में एक देश एक कानून, एक देश एक कानून, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चलेगा। क्यों चलेगा भाई साहब? हर बात में देश के न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन तीन तलाक और तीन तलाक पे बात आएगी तो नहीं, हमारा पर्सनल मैटर है। क्यों है? एक जिन महिलाओं ने तीन तलाक के लिए आवेदन दिया है, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो गई है, क्या वो बीजेपी वालों ने किया है क्या उनको तैयार? बीजेपी वालों ने उनको पैसा दे के रिपोर्ट करके भेजा है क्या? जो तीन तलाक वाला केस चला था तो राजीव गांधी ने इसरत राजीव गांधी ने ही एक महिला इसरत जहां का वो कर दिया था, तब से है ये मुमन सेल भरे पड़े हैं, उस पे कानून का बन रहा है। राम मंदिर की बात जो है, राम मंदिर में हम साथ हैं। जो हमने आपको क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा फैसला देगा और बहुत जल्दी वहां पर भव्य मंदिर बनने के लिए तैयारी भी हो रही है, हम सब मुसलमान उसके समर्थन में खड़े, मंदिर के समर्थन बिल्कुल खड़े हैं। सर बताइए, राम मंदिर के समर्थन में है या तारीख पर तारीख बढ़ती रहेंगे? राम मंदिर के समर्थन में हूँ, लेकिन ये मंदिर के पीछे इतना क्यों पड़ रहे हैं? देश में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर इतने हैं, इतने कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नहीं है। मंदिर का मुद्दा ऐसा उठा रहे हैं जैसे देश से सारे मुद्दे खत्म हो गए हों। क्यों पड़ रहे हैं के पीछे? लोगों को रोजगार चाहिए पहले। और रही बात आईपीसी की, एक बात ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, आईपीसी है तो आरएसएस भी क्यों है बताओ? सर आरएसएस कानून लागू नहीं करता। आरएसएस क्या कोई लॉ बनाता है क्या? आरएसएस फतवा देता है क्या? आरएसएस लॉ बनाता है क्या? कैसी बात कर रहे हैं ये जी? और रही बिल्कुल नहीं देता, कभी नहीं देता, कभी नहीं। आप बताइए, सुनिए कह रहे हैं देश में इतने मंदिर है, इतने वो नहीं है, तो मंदिर की जरूरत नहीं है, तो घर भी है, लोग अपना घर छोड़ के दूसरा घर क्यों बनाते हैं? जरूरत जन्मभूमि राम भगवान और हिंदुओं की आस्था, तो राम की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं होगा तो क्या होगा? मैं कहता हूँ आप आस्था को भी छोड़ दो, व्यक्तित्व पे आ जाओ। अगर व्यक्तित्व ही जीना है तो उस राम जी का जी के आदमी कितनी उससे शिक्षा मिलेगी, वो भी है। वो मंदिर नहीं बनेगा, वो एक शिक्षा का केंद्र बनेगा, लोग जानेंगे कौन है राम जी, उनका इतिहास पढ़ेंगे। राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए?
मदरसे किस लिए बनवाए जाते हैं फिर बताओ, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे किस लिए? उसमें आतंकवादी से कट्टरपंथी सिखाई जाती है और कोई सिखाया जाता है? आतंकवादी सिखाए जाते हैं। मदरसे सारे बंद होने चाहिए, हथियार चलाना सिखाया जाता है वहाँ पे। सुनो, मदरसों में सिर्फ यही सिखाया जाता है। राम मंदिर की जो सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख बढ़ रही है, तो क्या लग रहा है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सुलझने में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी तो कुछ नहीं समझ आ रहा, साफ सी बात है। ठीक है, बनना चाहिए, सब यही चाहते हैं। बन जाएगा बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनेगा तो भी बढ़िया बात है। क्योंकि देखो, बढ़िया बात है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि लोग इस चक्कर में गुथ रहे हैं, मर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा कितने टाइम से। हम चाहते हैं भैया, हम भी खुद हिंदू है, क्यों नहीं चाहते राम जी का मंदिर? राम का मंदिर कौन नहीं बनना चाहता? कौन नहीं बनना चाहता ये बताओ। ठीक है, लेकिन वो ये कि आपस में आप देखो कैसे गुथ मर रहे हैं सब। 12 अगस्त से रेगुलर उसकी सुनवाई होगी और जल्दी बीजेपी के राज में ही राम मंदिर बनेगा। इस चीज को देख लीजिए आप, राम मंदिर बनेगा, दोहरा नहीं है, भव्य राम मंदिर बनेगा। और एक बात, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इमरान मलिक। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मध्यस्थता के बीच में इस राम मंदिर को सुलझा लेना चाहिए, दोनों धर्म गुरु, दोनों धर्म के जो गुरु थे, उन्होंने इस बात पर कुछ चर्चाएं की, कुछ नहीं हुई, तो उन्होंने बोला था कि कुछ समय सुप्रीम कोर्ट हमें दे दे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको 13 दिन दिए हैं, 31 जुलाई तक वो लास्ट फैसला सुनेंगे। क्या प्रगति तुम्हारी उसमें रही? अगर नहीं तो 2 अगस्त के बाद से उसमें डे टू डे हियरिंग शुरू हो जाएगी। तो क्या लगता है कि राम मंदिर का जो इतना बड़ा मुद्दा बहुत दिनों से चला आ रहा है, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या समझ में आता है? तो मैं वही चीज़ बोल रहा था भाईजान आपको कि आप, पहली बात तो यह है कि एक भी मुसलमान ओवैसी जैसे को छोड़कर, ओवैसी जैसे नेताओं को छोड़कर, जो नेतागिरी करते हैं उनको छोड़कर, बाकी आप एक मुसलमान लाओ हिंदुस्तान से निकाल के कि वो राम मंदिर के विरुद्ध में है। कोई नहीं हो, कोई मुसलमान नहीं चाहता कि राम मंदिर ना बने, केवल नेता, क्योंकि हम सिर्फ नेता चाहे, थक गए नेता चाहे ना। मैं रियली बता रहा हूँ कि, और सबसे बड़ी चीज बताऊँ मैं आपको भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर नहीं बन सकता। अगर राम मंदिर बन गया तो बीजेपी, मैं क्लियर होकर बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर, बीजेपी 2 सीटों से 300 प्लस पहुँच गई है सिर्फ राम मंदिर के ऊपर। भाई साहब, राम मंदिर अगर बन गया ना तो राजनीति खत्म हो जाएगी। वरना एक बात बताऊँ मैं आपको, राज्य में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, हैं आप एक बात बताओ कौन रोकेगा उसको? योगी जी तो कह रहे हैं कि मुझे 24 घंटे 48 घंटे दे दो, मैं बना के दे देता हूँ। कौन रोकेगा? मैं बता रहा हूँ आपको, चुने हुए नेता, चुने हुए नेताओं को छोड़ के, जो मतलब गिने चुने नेता हैं, आप एक व्यक्ति हिंदुओं में से, मुसलमानों में से, सिखों में से, ईसाइयों में से ऐसा निकाल कर लाओ हिंदुस्तान से, आपका जूता और मेरा सर, एक लाओ निकाल के जो राम मंदिर के विरोध में हो। मैं बताता हूं, कोई नहीं है। मैंने बताया सर, कपिल सिब्बल है। चुनाव के पहले तुरंत कपिल सिब्बल गए वहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हलफनामा दिया कि इसकी जो राम मंदिर की सुनवाई है, राम मंदिर की सुनवाई होनी चाहिए। कहां पर? चुनाव के बाद, वरना बीजेपी को इसका फायदा होगा। सुन लो ना, ठीक है? तो ये चीज होती है, ये कहते हैं कि सरकार नहीं बनवा पा रही है। भाई साहब, आप शुक्र मनाओ कि इस देश को इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री मिला है। ये लोग कहते हैं ना कि भाई कौन नहीं कर सकता, पता है मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भाई ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। लोग बात कहते हैं ना कि भाई असहिष्णुता बढ़ गई है, हिटलर शाही बढ़ गई है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री है, वो जानते हैं कि भाई इसका मुद्दा न्यायालय से होना चाहिए और न्यायालय करेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए जब आर्कियोलॉजी सर्वे हुआ था तो आर्कियोलॉजी सर्वे में 2 जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, नंबर मिस्टर के खान, ठीक है, के मोहम्मद और एक बी लाल थे, ठीक है, उन दोनों लोगों ने आर्कियोलॉजी खुदाई की, जो सर्वे किया था, तो उसमें बाबरी मस्जिद से पहले जो मंदिर तोड़ा गया था उसके अवशेष आज भी संग्रहालय में वहां पर रखे हुए हैं, वो आज भी रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि बाबर के आने के पहले वहां पर मंदिर था। और आपको एक चीज बता दूं, लोग बाबर के लिए इतना ज्यादा वो करते हैं, आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी का एक वो है स्पीच है, उन्होंने कहा
जब मैं अफगानिस्तान गया तो मुझे देखना था कि भाई अफगानिस्तान में बाबर की क्या हैसियत थी, तो वो उन्होंने कहा मुझे बाबर के गांव जाना है, वो कहने लगे क्यों क्यों, तो बोले मुझे देखना है ना, जब वहां पर गए थे ना वो, तो वहां पर बाबर को एक आक्रांता लुटेरा माना जाता था, वहां के लोगों ने बाबर को भगाया और उसने हिंदुस्तान की चमक धमक उसका पैसा देखा, यहाँ पे आया उसने लोग बागों को वो किया, मंदिर तोड़ के और बाबरी मस्जिद बना दी, तो वहां पर मंदिर ही बनना चाहिए। सुनो, मैं जो रियल वाली बात हूँ, अभी मेरे भाई ने कहा कि मैं जवाब दूंगा कि मना करते हैं, राजनीति पे घुसेड़ दी ना बात, ये राजनीति तो लोग चाहते हैं। छह साल अटल जी की सरकार रही, क्यों नहीं बना राम मंदिर? राम मंदिर ऐसे बनने लगेगा ना तो हाल कहने लगेंगे कि देश में असहिष्णुता बढ़ गई है, इंटॉलरेंस बढ़ गई है, आपातकाल लग गया है, ठीक है, ये चीज होती है, मतलब गद्दी पे आम चाहिए। 55 साल तक तुम इस मुद्दे को अपने लिए बढ़े रहे, क्यों? अगर कांग्रेस बनाती तो मुसलमान उनसे कट जाता, इसलिए तुमने नहीं बनाया। मतलब अगर बीजेपी नहीं बना रही तो ये मुद्दा है हिंदुओं के लिए, और अगर कांग्रेस नहीं बनाया तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि अगर मंदिर कांग्रेस बना देती तो मुसलमानों को वोट नहीं मिलता है। सबसे पहले कैसी बात करते